और अच्छी रैली हुई जाकर। किस लिहाज से शानदार? मैंने काफ़ी संख्या में लोग आए थे जाकर के और काफ़ी सफल रैली रहा जाकर के और काफ़ी सफल रैली रहा जाकर के। बिहार के कोने कोने से लोग आए थे जाकर के, काफ़ी संख्या में लोग थे जाकर के। इस रैली की सफलता से लगता है आप चुनाव जीत जाएंगे, एनडीए जीत जाएगा चुनाव? माननीय मुख्यमंत्री जी अनाउंस कर चुके हैं कि 200 सीटों पर हम विजयी होंगे जाकर, तो निश्चित तौर पर आना तय है जाकर। उसी एनआरसी और एनपीआर के मुद्दे पर नीतीश कुमार ने कहा कि अब संख्यकों के साथ कोई भी अन्याय बर्दाश्त नहीं करेगी सरकार, तो ठीक ही कहा, ऐसी कोई जरूरत है भी नहीं जाकर। और बिहार में अल्पसंख्यक सुरक्षित जाकर के हैं और हमारी सरकार को भेदभाव नहीं कर रही, केंद्र की सरकार हो या बिहार की सरकार, दोनों सरकार की सोच है जाकर के कि इस देश में रहने वाले जो अल्पसंख्यक हैं उनके प्रति कहीं भेदभाव न किया जाकर न हो रहा जाकर के, और ठीक ही कहा उन्होंने है। और आगे चुनाव जब होगा तो एनडीए लड़ेगी चुनाव जाकर, तो एनडीए का मतलब है तीन दल होगा जाकर, और तब देखिएगा जाकर नज़ारा जाकर। आप लोग रैली वगैरह करने वाले हैं पटना में? बिल्कुल, हम लोग भी करेंगे भविष्य में रैली जाकर के और ऐतिहासिक रैली करेंगे जाकर। रैली तो हम लोग पहले भी कर चुके हैं, देखा आप लोगों ने जाकर के, मतलब रैली भाजपा के होते रही जाकर के है। मैंने तो समय बताएगा जाकर, और हमेशा रैली